हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर इंग्लिश क्लास। टुडे वी आर टू रीड सिक्स्थ लेसन ऑफ आवर रेनबो बुक सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे। द लर्निंग आउटकम फॉर टुडे इज स्टूडेंट्स विल बी एबल टू कन्वर्स इन सिंपल इंग्लिश एंड डेवलप अ सेंस ऑफ पैट्रियटिज्म। स्टूडेंट्स, एज यू नो, this is the second part of our lesson. Therefore, let us have a recapitulation. जो हमने अपने lesson के previous part में पढ़ा था, आइए उसको देख लेते हैं। आप लोगों को याद है या आप पीछे का भूलते जाते हैं? No, you have to remember. If you forget, this is not fair. Each and everything you should remind. Okay, you are reminding. Are you ready? Okay. Recapitulation mein first point is here. On Independence Day, we celebrate and host national flag. All of you know this. And second, our national flag has three colors, saffron, white and green. You know, third, each color of the flag and Ashok Chakra in the middle has its symbolic significance. So, all this is told in the first part of the lesson by Ritesh. He is preparing a national flag, as you can see in the picture, and he is talking to his sister. What is the name of his sister? आपको याद है उसकी बहन का नाम क्या था? You remember it. Very good. Shubhi. Each and everything is told by Ritesh to Shubhi. Ritesh is planning more for Independence Day celebration. Independence Day पर क्या क्या करना है उसको रितेश आगे और प्लान कर रहा है. This is what we are to read today. But before we start today, students, you all know Independence Day हम celebrate करते हैं और दूसरे national festivals हम लोग celebrate करते हैं, तो उसके पीछे के reasons क्या हैं? कोई भी त्योहार हम मनाते हैं, इसका मतलब क्या होता है बताइए? खुशियां मनाना, खुशियां बांटना, यही celebration होता है. You know all. Here, Independence Day and Republic Day are our national celebrations, national festivals. तो ये खुशी हम लोग मनाते हैं बिना किसी caste difference के, बिना किसी religion की consideration के, only being a citizen of India. बिकॉज इसके साथ में बहुत सारी बलिदानों की और त्याग की कहानियां भी तो जुड़ी हुई हैं. आपने पढ़ी हैं या इधर उधर से सुनी हैं या टीवी वगैरह में या सीरियल्स में देखी हैं ये कहानियां कि हमने अपनी आज़ादी को बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स की टफ फाइट, लंबे समय तक चलने वाली फाइट के बाद में ही गेन किया था. इसके साथ में आपने ये भी एक गाने में सुना होगा और फील भी किया होगा. गाना है, कर चले हम फिदा जानों तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों. इस गाने की भावनाओं को समझते हैं ना आप सब बच्चे? चलिए, आप में से ज्यादातर बच्चे समझते हैं, फिर भी आप लोगों को एक बार मुझे
याद दिलाना है। जो हमारी आजादी थी उसको बहुत सारा बलिदान करके देश प्रेमियों ने, देश की आजादी लड़ने वालों ने हमको आजाद करके देश को सौंप दिया। अब हमारी क्या जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस देश को, उसकी आजादी को अच्छी तरह से बना के रखें। ये जिम्मेदारी कोई साधारण जिम्मेदारी नहीं है बच्चों, इस जिम्मेदारी को उठाने की हर नागरिक की जिम्मेदारी है, इवन योर्स इवन माइन। अब आप कहेंगे हम तो अभी मैडम बहुत छोटे हैं। सो वॉट डियरेस्ट फ्रेंड्स, आपकी भी स्टूडेंट होने के नाते कुछ बहुत सारी जिम्मेदारियां हो सकती हैं, आपको पता होना चाहिए। एंड दिस इज वॉट इन द नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू रीड, एंड हेयर इट इज स्टार्ट्स। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले बताया भी था कि ये जो लेसन है हमारा वो डायलॉग फॉर्म में है, जिसने जो भी डायलॉग बोला है वो उसके सामने लिखा हुआ है। जैसे सबसे पहले रितेश ने कहा है, और रितेश के सामने यहाँ हम लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, वी आर गोइंग टू हैव अ परेड इन द स्कूल, द नेशनल फ्लैग विल बी होस्टेड एंड वी विल सिंग द नेशनल एंथम। रितेश ने क्या कहा है? रितेश कह रहा है हम लोग स्कूल में परेड करेंगे और राष्ट्रीय झंडा फहराया जाएगा। इसके अलावा हम लोग राष्ट्रगान गाएंगे। नेशनल एंथम का मतलब आप लोग जानते हैं ना? आप अपनी प्रार्थना सभा में भी प्रतिदिन नेशनल एंथम को गाते हैं, उसका सम्मान करते हैं। ये सारी बातें आप लोगों को पता है और पता करनी चाहिए आप लोगों को। अभी देखते हैं आगे। शुभी, वॉट अल्स विल बी डन ऑन दिस डे? वॉट अल्स, और क्या इस दिन करोगे? रितेश का जवाब, रितेश ने क्या कहा शुभी की इस बात को रिप्लाई करते हुए, उसको पढ़ते हैं। ऑन दिस डे वी सैल्यूट द हीरोइक डीड्स ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स, गांधी जी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह एंड मैनी अदर्स फॉट फॉर मैनी ईयर्स टू मेक इंडिया अ फ्री कंट्री। क्या रिप्लाई है? आइए हिंदी में समझते हैं। रितेश ने कहा इस दिन हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों की वीरतापूर्ण क्रियाओं को सलामी देते हैं, उनका सम्मान करते हैं। गांधी जी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और बहुत से दूसरे लोगों ने सालों तक देश को आजाद करने के लिए लड़ाई लड़ी थी। नाउ शुभी क्या कह रही है उसे पढ़ते हैं। रितेश, आर यू टेकिंग पार्ट इन एनी ऑफ द प्रोग्राम्स? क्या तुम किसी प्रोग्राम में भी भाग लेने वाले हो? रितेश, यस आई विल डिलीवर अ स्पीच। हाँ मैं भाषण दूंगा। आप लोगों ने इस सेंटेंस में नोट करना है, स्पीच डिलीवर की जाती है, भाषण देने को डिलीवरिंग स्पीच कहा जाता है। नेक्स्ट शुभी, व्हाट आर यू गोइंग टू से इन योर स्पीच? तुम अपनी स्पीच में क्या कहने वाले हो? रितेश, आई हैव रिटन
नॉट ओनली अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस डे बट ऑल्सो अबाउट आर ड्यूटीज टूवर्ड्स आर नेशन। अभी रितेश ने क्या किया है, जो स्पीच उसको डिलीवर करना है यानी बोलना है उसको लिखकर तैयार किया है। तो वो बताता है कि मैंने न केवल स्वतंत्रता दिवस के बारे में लिखा है बल्कि मैंने अपनी जो ड्यूटीज़ होती हैं उनके बारे में भी, देश के प्रति जो ड्यूटीज़ कर्तव्य होते हैं उनके बारे में भी अपनी स्पीच में लिखा है। शुभी, वॉट आर आर ड्यूटीज़ टुवर्ड्स द नेशन, हमारी देश के लिए कौन सी ड्यूटीज़ हैं, कौन से कर्तव्य हैं? रितेश, रितेश की रिप्लाई, टू डू गुड फॉर द सोसाइटी, समाज का भला करना, ये हमारी ड्यूटी है। शुभी, हाउ कैन वी डू दैट, वो हम कैसे कर सकते हैं? रितेश की रिप्लाई पढ़ते हैं, By helping others, maintaining cleanliness, planting trees, respecting elders, and so on. कैसे कर सकते हैं हम समाज का भला, ये पूछा ना शुभी ने, और रितेश ने क्या रिप्लाई किया है कि हम दूसरों की हेल्प करें, उनकी मदद करें, और क्या करें, मेंटेन करें सफाई को, स्वच्छता को, प्लांट करें ट्रीज को, पेड़ों को लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, और बड़ों का आदर सत्कार करें। तो इस तरह की चीज़ों से ही हम समाज का भला कर सकते हैं। शुभी, इट मीन्स एवरीवन मस्ट डू वंस बीट टू इम्प्रूव वंस सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स का मतलब होता है हमारे आसपास जो भी है वो सब। तो हमें अपने आसपास को सबको अगर इम्प्रूव करना है तो एवरीवन हर एक को अपना थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए। रितेश, यस शुभी, If we all do a little, it will help our country. अगर हम में से हर एक थोड़ा सा भी करता है, क्या करता है? अपनी जिम्मेदारी को पूरा करता है, तो समझो कि वो अपने देश की मदद कर रहा होता है। शुभी, ब्रदर, टुमारो I will give my old toys and clothes to the poor children. मैं भी कल अपने पुराने खिलौने, toys, खिलौने and clothes और कपड़े गरीब बच्चों को दूंगी। शुभी ने सोचा, रितेश ने बताया है कि हम कुछ भी थोड़ा कर सकते हैं अपने स्तर पर, तो मैं क्या कर सकती हूँ? शुभी ने सोचा, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको टॉयज़ नहीं मिल पाते हैं या जिनको कपड़े नहीं मिल पाते हैं, और मेरे कपड़े अगर उनके कुछ काम के हो सकते हैं, खिलौने अगर काम के हो सकते हैं, तो आई शुड हेल्प, मुझे उस तरह से उनकी मदद करनी चाहिए। रितेश, वेरी गुड शुभी, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज टू सर्व आवर कंट्री। देश की सेवा करने का ये भी एक तरीका हो सकता है, रितेश ने बोला। किसको बोला? ऑफ कोर्स रितेश इज टॉकिंग विद शुभी, रितेश ने शुभी को बताया। नाउ द टेक्स्ट इज ओवर एंड टू मेक यू मीनिंग मोर क्लियर
हमेशा की भांति आज फिर हम लोग जो न्यू वर्ड्स आए हैं टेक्स्ट में उनके मीनिंग को डिस्कस कर लेते हैं। आर यू रेडी विद योर नोटबुक? आपको लगता है तो आप लोग अपनी नोटबुक में लिखते जाइए। ओके, हियर वी कम ओवर टू द फर्स्ट वर्ड एंड इट इज सैल्यूट। खूब बोलते हो आप लोग, हंसी मजाक में भी और वैसे भी, सैल्यूट शब्द। लेकिन जब पढ़ने का नंबर आता है तो दिमाग को थोड़ा संभल नहीं कर पाते हो, और इस वर्ड को जानते हुए भी हो सकता है नहीं पहचान पाओ। तो ये न्यू है और न्यू नहीं भी है। सैल्यूट का मतलब होता है सलामी। स्पेलिंग यू शुड नोट, SALUTE, सैल्यूट। नेक्स्ट, हीरोइक, इसका मीनिंग है वीरतापूर्ण। डीट्स, कार्य। डिलीवर स्पीच, भाषण देना। ड्यूटीज, कर्तव्य। सोसाइटी, समाज। क्लीनलीनेस, स्वच्छता। नेक्स्ट, सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स जो हमारे चारों तरफ है, मतलब हमारे आसपास है। ओके, यू गॉट इट। नेक्स्ट, इम्प्रूव। इम्प्रूव का मतलब विकास करना, जो भी है उसको बेहतर बनाना, इम्प्रूव करना कहलाता है। नेक्स्ट, रिस्पेक्टिंग, इसका मीनिंग है आदर करना या सम्मान करना। इफ यू वॉन्ट टू मेक द वर्ड्स मीनिंग मोर क्लियर, यू शुड प्रैक्टिस सेंटेंस मेकिंग। आप जितना इनको अपने छोटे छोटे वाक्यों में प्रयोग करते हैं, उतना ही इनकी शब्दों की आपसे जान पहचान ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ओके, तो आप लोग जो अभी वर्ड्स मीनिंग से परिचित हुए हैं, उनको अपने सेंटेंसेस में यूज़ करने की पूरी कोशिश करेंगे एंड शो इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, नाउ इट इज क्वेश्चन टाइम। तैयार हैं आप? जो कुछ पढ़ा है उसी में से पूछने वाली हूँ मैं। ओके, नाउ स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ कैन वी डू गुड फॉर सोसाइटी? सोच रहे ना आंसर? सही सोचा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। कैसे कर सकते हैं हम अपने समाज का भला, ये आप लोगों को अभी बताया गया था ना। ओके, यू नो आंसर इज वी कैन हेल्प अदर्स मेंटेन क्लीनलीनेस, प्लांट ट्रीज एंड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स टू डू गुड फॉर द सोसाइटी। सेकेंड क्वेश्चन, होम डेट शुड बी वॉन टू गिव ओल्ड टॉयज एंड क्लोथ्स टू। आंसर, शुड बी वॉन टू गिव ओल्ड टॉयज एंड क्लोथ्स टू द पुअर चिल्ड्रन। ओके, गॉट इट। नाउ द नेक्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वॉज रितेश गोइंग टू टेल अबाउट इन हिज स्पीच? स्पीच में क्या बोलने वाला था रितेश? यू नो दिस आंसर, यू नो वेल। रितेश वॉज गोइंग टू टेल अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस एंड अबाउट आर ड्यूटीज टूवर्ड्स द नेशन। हमारी देश के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं और किस तरह से हम अपने देश को अच्छा कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं समाज को, ये सब बताता है अपनी स्पीच में। लेट अस नो आवर ड्यूटीज बिफोर स्टूडेंट्स वी कम ओवर टू आवर ड्यूटीज। आई वुड लाइक टू मेक योर अटेंशन टूवर्ड्स दीज पेजेस ऑफ आर रेनबो बुक्स। आपने कभी अपनी बुक्स को खोल के देखा है यहाँ पर इस तरह से? देखा है ना? तो यहाँ बुक का जो ये वाला पेज आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इस पर क्या लिखा है, इसको पढ़ने की और जानने की
कोशिश की आपने? नहीं की है, बहुत से बच्चों ने शायद नहीं की है। लेकिन अब आगे से आपको सबसे पहले जब यहाँ पर ये लिखा हुआ पाता है तो आपको यही तो सबसे पहले पढ़ना भी चाहिए। दिस इज योर रेनबो बुक ऑफ क्लास 6 एंड हियर यू फाइंड प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान, हमारा देश का कानून जिसको हम सब फॉलो करते हैं, जिसका शासन है, उसकी जो मेन प्रिंसिपल्स हैं वो प्रस्तावना, जैसे आप लोग ऐसे की लिखते हैं ना, ठीक उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना यहाँ पर आप लोगों को समझने के लिए लिखी हुई है। आप लोगों को पढ़नी चाहिए, तभी तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वो भी समझ में आएगा। लाइकवाइज 7th क्लास की बुक को देखें अगर हम, तो यहाँ देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कौन सा पार्ट आप पढ़ पाते हैं यहाँ पर? फंडामेंटल राइट्स। इनके बारे में पता होना भी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए तो इनको यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले लिख करके बुक्स में दिया गया है। हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनको भी यहाँ लिखा गया है हमारी बुक में। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स तभी पूरे होते हैं स्टूडेंट्स जब हम अपनी ड्यूटीज को भी फुलफिल करते हैं। तो 8th क्लास की बुक को खोलेंगे तो यहाँ पर है ऑल अबाउट आवर फंडामेंटल ड्यूटीज। यू कैन फाइंड, आप लोग देखें, इसको पढ़ें और समझने की कोशिश करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर ए सिटीजन ऑफ कोर्स। लेकिन जब आप स्टूडेंट हैं तभी आपको इस तरह की चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना है, बल्कि इनकी इम्पोर्टेंस को हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है। तो जो ड्यूटीज़ के बारे में हम लोगों को रितेश ने यहाँ लेसन में बताया वो फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड कंसेप्ट ही है, जो कि हमारी बुक्स में भी हम लोगों को समझाने की कोशिश की गई है। नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट आर आवर मेन ड्यूटीज। डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। हमें क्या करना चाहिए? हम सबको वैज्ञानिक सोच बनानी चाहिए। और क्या है? प्रिवेंट वायलेंस एंड फाइट्स। हिंसा को, लड़ाई को रोकना चाहिए, बढ़ावा नहीं देना है, रोकना है इन द वेरी स्टार्टिंग, शुरू में ही। एंड नेक्स्ट, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव इन्वायरमेंट टू हैव कंपेशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। जितने भी प्राणी हैं उन सब के लिए हमें कंपेशन रखना चाहिए, हमें दयालु होना चाहिए और अपने एनवायरनमेंट के लिए उनकी वैल्यू को, उनकी इम्पोर्टेंस को भी समझना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है? ओके, वी गो अहेड विद आर ड्यूटीज। नेक्स्ट, नेशनल सर्विस, राष्ट्र की सेवा। जिस भी तरह से हम कर पाते हैं उस तरह से हमें कोई भी नेक काम करने से अपने आप को रोकना नहीं चाहिए। मेंटेनिंग क्लीनलीनेस। इस ड्यूटी के लिए हमारे देश में बहुत ज़्यादा प्रचार और प्रसार भी हो रहा है। आप सब बच्चे बहुत अच्छी तरह से इस ड्यूटी को परफॉर्म भी कर रहे हैं एंड यू शुड नो कि ये हमारी ड्यूटी है टुवर्ड्स आवर नेशन। क्या? कि हमें मेंटेन करना चाहिए क्लीनलीनेस को। नेक्स्ट, हेल्पिंग अदर्स, दिस इज ऑल्सो आवर ड्यूटी। प्लांटिंग ट्रीज, हमें ट्रीज प्लांट करने चाहिए। रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए और बड़ों को हमें जो यथा योग्य हेल्प हो सकती है वो भी करना चाहिए। होप यू अंडरस्टैंड वेल द कंसेप्ट ऑफ ड्यूटीज जो भी रितेश ने शेयर किया है शुभी के साथ में। नाउ वी आर गोइंग टू डू एन इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। डियर स्टूडेंट्स गेट रेडी। वॉट
इज हेयर शोन, दिखाई दे रहा है, क्या है यहां पर? कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और ऊपर डायरेक्शन यू हैव टू फॉलो, हु सेड द फॉलोइंग, ये जो भी कुछ लिखा हुआ है वो किसने बोला है, किसने कहा था. फर्स्ट वन, व्हाट आर आवर ड्यूटीज टुवर्ड्स द नेशन, किसने बोला था ये, डू यू रिमेंबर? यस ऑफ कोर्स, यू आर थिंकिंग द राइट वे, शुभी ने पूछा था ये. एंड द नेक्स्ट, एवरी वन मस्ट डू वंस बिट टू इम्प्रूव वंस सराउंडिंग्स, हर एक को अपने आसपास की सराउंडिंग्स को अच्छा रखने के लिए जो भी थोड़ा बन पड़ता है करना चाहिए. हु सेड, किसने कहा था ये, यू रिमेंबर दिस? ओके, रितेश ने कहा था. एंड थर्ड, आई विल गिव माई ओल्ड टॉयज एंड क्लोज टू द पुअर चिल्ड्रेन, मैं अपने पुराने कपड़े और खिलौने बच्चों को दूंगी, ये किसने कहा, शुभी ने कहा. डन. नेक्स्ट, आई विल डिलीवर ए स्पीच, ऑफ कोर्स यू आर राइट, रितेश ने बोला है ये, रितेश यहां लिखा गया है. नेक्स्ट, वी सैल्यूट द हीरोइक डीड्स ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स, हु सेड दिस, रितेश सेड दिस. आप लोग की याददाश्त भी बहुत अच्छी है, आई नो. नाउ टू कंक्लूड विद, द मॉरल ऑफ द लेसन इज दैट वी कैन सेफ गार्ड आवर इंडिपेंडेंस डियर स्टूडेंट्स ओनली वैन वी परफॉर्म आवर ड्यूटीज प्रॉपरली. टूडे वी लर्न न्यू वर्ड्स एंड वी लर्न आवर ड्यूटीज एज ए सिटीजन एज वेल एज अ स्टूडेंट. एंड टू कंक्लूड विद अ फ्यू लाइन्स ऑफ अ पोयम, मेरा देश मेरी आन है, बान है, शान है, इसके लिए सोना बोना है, सोना खोदना है, देश की सीमा पर लोहा लेना है, आज़ादी याद दिलाती उन बलिदानों की जिनसे मिला उपहार ये सलोना है. वी आर सेलिब्रेटिंग बिकॉज हम पजेस्ट हुए हैं एक प्राइज से, एक उपहार से. मेरे देशवासियों, आह्वान प्राचीर से सुना, आत्मनिर्भर माँ भारती को अन्नपूर्णा कहलाना है. देश के वैज्ञानिक कर रहे तपस्या, समर्पण सजगता का संबल उन्हें देना है, वोकल फॉर लोकल को जीवन मंत्र बनाना है, मेक इन इंडिया को मेक फॉर वर्ल्ड बनाना है, आज़ादी का पर्व संकल्प पर्व बन जाना है. इंडिपेंडेंस डे को नेक्स्ट टाइम से कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं हम लोग, कमिटमेंट टू परफॉर्म आवर ड्यूटीज टुवर्ड्स आवर नेशन, कीप ऑन लर्निंग.